हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज संडे है तो मैं आपके लिए संडे कमेंट लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने कई सारे सवाल जवाब पूछते रहते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको एक एक करके कुछ सवालों के जवाब देने की पूरी की कोशिश करूँगा। तो जो लोग वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं एक बार मैं आपको एक एक करके कमेंट लेते हुए चलूँगा। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो मैंने अभी लेटेस्ट कम्युनिटी टैब में फ़ोटो पोस्ट की है, तो वो नई वाली फॉर्चूनर है या फिर पुरानी वाली बताओ। तो काफ़ी लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी है। तो भाई एक विनीत पराशर करके भाई हैं, वो कह रहे हैं फॉर्चूनर है। तो भाई आपका आंसर तो सही है, लेकिन ये पुरानी वाली फॉर्चूनर है, लेकिन आप सही हो अपनी जगह। और आगे बढ़ते हम, और इसमें हमें भाई पूछ रहे हैं मुझे यह वाला सिद्ध गाय करके हैं भाई, ये कह रहे हैं मुझे यह वाला फॉर्चूनर बहुत अच्छा लगती है, पर नई वाली की लुक के मामले बहुत बेकार लगी, खासकर पुरानी वाला का बैक तो सबसे अच्छा पार्ट है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई नई वाली फॉर्चुनर अच्छी है लेकिन पुरानी वाली इन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना थोड़ा माइंड सेट होता है। जब कंपनी कोई भी नई गाड़ी बनाती है तो भाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करती है। वैसे भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे नई वाली फॉर्चुनर ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली। ठीक है, और आगे बढ़ते हम, ये कह रहे हैं भाई, ये एक विनोद शर्मा है, अर्बन क्रूज़र वाइट कलर इज़ अमेजिंग। हाँ भाई, अर्बन क्रूज़र काफ़ी अच्छी लगती है वाइट कलर में। अगर आप अर्बन क्रूज़र नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, थोड़े 50-60 हज़ार कम करके आप लोग अर्बन क्रूज़र और ब्रेजा सेम ही है, ब्रेजा भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, टोयोटा का लोगो जब लग जाता है तो गाड़ी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और आगे बढ़ते हम, रुद्रा शंकर करके भाई हैं कोई, ये कह रहे हैं मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आपके भाई का कार कलेक्शन, तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई साइकिल है यूज़ ही, उसे ही चला चला के यूज़ करते हैं। भाई कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, आप साइकिल से एक दिन गाड़ी पे भी पहुंच जाओगे। अब ये भाई हैं विनीत करके भाई हैं, कह रहे हैं वही भाई फॉर्चुनर लेनी चाहिए या फिर एंडेवर। तो भाई देखो, दोनों गाड़ी अलग अलग हैं और दोनों गाड़ी अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं। तो आप लोग अगर प्रेफर करना चाहो तो फॉर्चुनर में सनरूफ नहीं है और एंडेवर में सनरूफ है, लेकिन अभी फोर्ड यहाँ से जा चुका है, तो आप लोग समझ सकते हो आपको कौन सी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। वैसे दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर मेरे से बात करें तो मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं भाई, दोनों ही बहुत बढ़िया। इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है और कमेंट बहुत आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मैं आपके हर कमेंट देखता हूँ। और ये राजेश कुमार कह रहे हैं, नाम है आपका बॉबी, आपको ज़रूरत है एक बॉबी। अरे भाई तुम तो मजाक कर रहे हो यार, मैं भाई कमेंट में मजाक चलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन जो मैं जिसके मैं आंसर दे सकूं। सुनील ठाकुर भाई हैं, ये कह रहे हैं मैंने एक होंडा स्कूटर डाला था नया BS6 का, ये कह रहे हैं ये ब्लू है या फिर ब्लैक है, मुझे ब्लैक क्यों दिख रहा है। ये भाई ब्लैक ही है, इसको बोलते हैं हम मिडनाइट ब्लैक मान लो आप लोग, और या फिर जो ग्रे कलर का आता है वो भी हमें रात को थोड़ा ब्लैक सा दिखता है स्कूटर। ठीक है, और बात करें प्रभु रमन कह रहे हैं रेडिच में क्रोम व्हील चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर आप रॉयल इनफील्ड रेडिच की बात कर रहे हो तो इसमें एलॉय व्हील चेंज हो जाते हैं। स्पोक वाले डलाओ, स्पोक वाले डल जाएंगे और आप जैसा डलाना चाहो वैसे डल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आप विनोम गेमिंग करके भाई हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा था, कमेंट करके बताओ ये कौन सी गाड़ी है, होंडा वरना या फिर होंडा सिटी। तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई आप क्वेश्चन मत पूछा करो, यहाँ लोग थोड़े कम जवाब देते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो इनसे सवाल जवाब मत पूछा करो। अरे भाई कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है पूछना, और आप जैसे इतना प्यार दिखाते रहते हो, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और मैं हर संडे टू संडे
आपके लिए एक कमेंट सेक्शन लेके आ जाऊंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी इसमें। ये समीर राज करके भाई हैं, ये कह रहे हैं किया कार्निवल सबसे बेस्ट एसयूवी है। भाई ये एसयूवी नहीं, ये एमयूवी में आ जाती है, जो 7 से 9 सीटर गाड़ी आती हैं वो बड़ी में चली जाती हैं। एक होती है एसयूवी सेडान और एमयूवी, और फिर अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो और काफ़ी होंडा वरना या फिर होंडा सिटी, मेरे को पर्सनली होंडा वरना पसंद है ब्लैक कलर में। और आगे बढ़ते हैं, तो भाई ऐसा ऐसे चल रहा है थोड़ा कमेंट सेक्शन। और एसयूवी स्टेटस किंग भाई कह रहे हैं स्कॉर्पियो वाइट कलर, तो भाई वाइट कलर भी अच्छी है लेकिन मुझे पर्सनली ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक कलर यार गाड़ी पे बहुत जमता है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ हमारे भाई हैं विनीत पराशर, मारुति सुजुकी सियाज। हाँ भाई मारुति सुजुकी में सियाज काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और उसमें 5 लोग आसानी से बैठ जाते हैं, बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, और ये गाड़ी होंडा वरना और होंडा सिटी को लगभग टक्कर दे देती है भाई प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दिया करो, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आंसर लेके आ जाऊँगा।